हेलो गाइस, आज मैं खेल रहा हूँ मेटल हॉरर। इसके बाद सुना है कि ये एक हॉरर गेम है, और गाइस जब आप कुछ खुला छोड़ देते हो ना, फिर ये मेटल देख लेता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो मेरे को ये गलती नहीं करना है। सो गाइस, मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देता हूँ मेरा गेम प्ले। सो गाइस, हम एक प्रिजन पे बंद पड़े हुए हैं। ये एक लॉक प्रिजन है और मेरे को कुछ क्लू नहीं मिल रहा है इसको खोलने के लिए। और सामने में मैंने कुछ लॉक पिक जैसे देखा, वैसे मुझे सामने, अरे ये तो लॉक पिक ही लग रहा है। हाँ, ये लॉक पिक ही है। चलो इसको खोल देते हैं, इस लॉक को। और इस लॉक पिक से और कुछ खुलेगा या नहीं? चलो भाई, इस संदूक को खोल के देखते हैं। ये तो खुल ही नहीं रहा ये संदूक। अरे मैं वो क्यों खुल रहा, संदूक क्यों खुल रहा था लॉक पिक से? और नीचे भी कुछ भी नहीं है, और गाइस ड्रॉअर पे भी कुछ भी नहीं है। वाह, मेटल मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। चलो भाई, इसको खोलते हैं और इस चिट्ठी को पढ़ते हैं। My name is Max. I was attacked last night and today I woke up in this eerie room. Some psycho called. 6.5 hours later. Password is not waste, it's south. So guys, यहाँ पर एक पासवर्ड के ऊपर बोला गया है जो कि है not waste, it's south. और guys, मेरे को एक हैमर मिला। और guys, जानते हो कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक बाथरूम है जो कि एक सीक्रेट पैसेज को कनेक्ट करता है, और वो सीक्रेट पैसेज ले जाता है हमको एलिवेटर तक। अब जानता नहीं वो एलिवेटर कहाँ ले जाता है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि इस हैमर का क्या काम है। और मेरे को ये की दिख रहा है, क्या इसको तोड़ना है? तोड़ भी दिया। और ये मेटल आ रहा है अभी। अब सबको ठीक से बंद करना है। और गाइस, मेरे को एक की भी मिला, और अभी 18 सेकंड्स बाकी है। जल्दी से मेरे को रश बैक करना है केज तक। अब कुछ खुला नहीं है तो मैं यही डर रहा हूँ, जब खुला रहेगा तो मैं गया, मेटल मेरे को शॉक दे देगा। अभी थोड़ा मैं डर रहा हूँ। अभी तो मेटल आ गया आई थिंक। ये डोर खोला, ये लो डोर खोल भी दिया। और गाय जो ये चिल्लाता है ना कि हटा दे कि आ जाता है, अरे भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी रॉन्ग नहीं है यहाँ पर, तू चला जा यार, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैं छोड़ा हूँ, प्लीज़ तू चला जा। हाँ, ये तेरा इमेजिनेशन ही है, ये माइंड तेरे साथ ट्रिक खेल रहा है भाई। ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ। चलो भाई, ये क्या इस संदूक को खोलने का काम आता है ये चाबी? अरे सच में संदूक को खोल दिया। और क्या मिला? मेटल सॉ और टेप। और इस टेप का क्या काम है, मैं ये सोच रहा हूँ। कंट्रोल पैनल ऑफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और ये दरवाज़ा अदर साइड से लॉक पड़ी हुई है, और ये बेल किसी भी काम पर नहीं है। तो इस सेलो टेप का काम ही क्या है भाई? क्या इसको यहाँ पर चिपकाना है? नहीं, मैं सुना था कि इस कैलेंडर के पीछे कुछ होता है। क्या ये चीज़ है? मैं ये सोच रहा हूँ, क्या इससे कटेगा मेटल सॉ से? क्या ये सब ब्लेड कटेगा? ब्लेड बोल रहा हूँ, क्या है वो? मैं ये सोच रहा हूँ इस टेप का क्या काम है। तो आई थिंक इसको चिपकाना है। ये जानते हो यहाँ पर कटे हुए है, आपको ठीक से दिखा रहा हूँ। और गाइस, मैंने लगा भी दिया, अब देखते हैं ये चलेगा या नहीं। चलो भाई, अब चल जाना चाहिए। और गाइस, शुरू भी हो गया, फंक्शन करने लगा, पर कोट जा रहा है। और गाइस, जानते हो कि मैंने टेक्नो गेमर्स के वीडियो में देखा था कि वो इसको नॉट मान रहे थे, और इसको नॉट मान रहे थे, इसको वेस्ट मान रहे थे, और इसको ईस्ट मान रहे थे, और इसको साउथ मान रहे थे। सो पासवर्ड होगा आई थिंक, अरे यहाँ पर क्यों जा रहा है? हाँ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो ये 8 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आई थिंक 5 है, यहाँ पर 8, फिर से देख लेते हैं, 8 2 8 2 5 9। अभी देखते हैं, ये राइट कोट होना चाहिए। चलो भाई, ये लक का काम है राइट कोट दिखाना। राइट कोट नहीं दिखाया तो बेल बच जाएगा और मेटल आ जाएगा। चलो भाई, हो जाना चाहिए। और गाइस, खुल गया सच में यार, मेरा लक बहुत अच्छा है। डोर को खोल देते हैं और डोर भी खुल गया। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये दंजा जैसा क्या है? ओ, डोर बोल्ट है। और चलो देखते हैं इस लॉकर में क्या है। इस लॉकर में कुछ भी नहीं है। इस लॉकर में क्या है? इस लॉकर में भी कुछ भी नहीं है। इस लॉकर में क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो भाई, अब क्या मिलेगा? ये क्या गंदा बेसिन करके रखा है, और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर मिला सच में यार। और अब तक तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, देखते हैं बाद में क्या मिलता है। आई थिंक स्क्रू ड्राइवर का काम यहाँ है।
चलो भाई स्क्रू ड्राइवर को लेते हैं, फर्स्ट स्क्रू को खोलते हैं और सेकेंड स्क्रू को भी, और इसको खोल देते हैं और इससे वायर कटर मिल रहा है हमको, चलो ले लेते हैं। नहीं नहीं बोल्ट कटर। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि टॉयलेट के अंदर चीज़ों को क्यों रखते हैं ये मेटल, मैं ये सोच रहा हूँ। और गाइस मैंने चेन को खोल दिया है और गाइस इसको ऑन करना पड़ेगा जिससे जो पानी है ना गंदा पानी वो निकल जाएगा, मैंने यूट्यूब वीडियो पे देखा है। चलो भाई इसको ऑन कर देते हैं जिससे सब कुछ चला गया। और गाइस क्रोबार का एक पार्ट तो मिल गया है, मैंने देखा था कि ऐसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं क्रोबार का पार्ट। और गाइस इसको खोल देते हैं, चलो भाई बस शोध तो होगी, और गाइस शोध ही हो गया, अब मैं क्या करूँ। चलो इस लीवर को ले लेते हैं और गाइस इस दरवाज़ा को भी बंद कर देते हैं, आई मीन इलेक्ट्रिक का लॉक है ना इसमें, सो अभी इलेक्ट्रिक से लगा देते हैं और इसको भी ऑफ कर देते हैं। और गाइस अभी सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है तो चलो भाई सब कुछ ठीक है, कुछ खुला नहीं रहना चाहिए। गाइस मेटल तो चला गया है और गाइस मेरे को जितना पता है कि ये चीज़ इसके ऊपर यूज़ होता है जिसके ऊपर वो रेंज फंसा हुआ था, और गाइस मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस फंसे हुए रेंज को लेना। तो गाइस इसके ऊपर इस चीज़ को लगा देता हूँ वो घुमाने वाला चीज़, चलो भाई अब घुमा देते हैं और इस रेंज को ले लेते हैं। और गाइस मैं भूल गया कि रेंज का यूज़ कहाँ होता है, सच में यार मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ हूँ। और गाइस अब कुछ भी नहीं मिल रहा है क्लू कहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर भी नहीं हुआ। चलो भाई डोर को खोल देते हैं, बटन दबाओ डोर खोलो, और गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है क्लू, यहाँ पर जब रेंज का यूज़ पता चल जाएगा तब आऊँगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ कुछ समय बाद। गाइस जब आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर एक स्क्रू है, आई थिंक इस स्क्रू को खोलना है और खोल भी दिया। और गाइस अब इसको मूव करना है, और गाइस यहाँ पर एक दीवार है, आई थिंक यही है वो सीक्रेट पैसेज जिसका जिक्र उस चिट्ठी के ऊपर हुआ था। आई थिंक इसको क्रोबार से तोड़ना है या हथौड़ा से, आई थिंक हथौड़ा से टूटेगा नहीं क्योंकि हथौड़ा तो पहले ही चला गया, आई थिंक जानता नहीं कहाँ। चलो भाई इसको खोल देते हैं नेल पुलर से, और गाइस एक पीस तो मिल गया, इसको लगा देते हैं और सेकेंड पीस भी लगा देते हैं, और ऐसे तैयार हो चुका है हमारा पिकैक्स। गाइस हमने इस दीवार को तोड़ दिए है क्रोबार से, और गाइस मेटल को पता चल चुका है कि कौन सा नॉइज आया है। और गाइस मेरे को सब कुछ पहले जैसा करना होगा, सबसे आगे तो डोर बंद करो, एलिवेटर तो बाद में खोलेंगे जब मेटल चला जाएगा तब। और गाइस अभी 14 सेकेंड्स बाकी है, इतने में सब कुछ पहले जैसा करना होगा, और गाइस सब कुछ पहले जैसा ही है। और गाइस मैं अभी केज पे आराम करता हूँ। अरे इतना जोर से मत चिल्ला पागल इंसान, अरे यार इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया इसने, अब फिर से ट्राई करना पड़ेगा यार एस्केप करने के लिए। गजब बेइज्जती है। अरे यार फिर से इस केज पर आ गए, और ये अभी सिक्योरली लॉक्ड भी है, अब कैसे जाएंगे, फिर से लॉक पिक को यूज़ करना पड़ेगा। चलो भाई लॉक पिक तुमको यूज़ करना पड़ा, और लॉक पिक को मेरे से दुश्मनी हो गई जिसके लिए वो गायब हो गया। और गाइस अभी तो देखते हैं मेटल क्या छोड़ के गया है, अच्छा मैं अच्छा मिला लीवर आर्म, अभी देखते हैं लीवर आर्म का क्या यूज़ होता है। मेटल कुछ तो भलाई काम किया खुद की ज़िंदगी पर ज़्यादातर सोने से। और गाइस अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है, आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है, डोर को ओपन कर देते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। डोर यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, आई थिंक बाथरूम पे कुछ भी नहीं है, और इस मरीज़ को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, चलो भाई दूर कर इससे, मैं बहुत डरता हूँ। और मैं पॉज क्यों कर रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। और गाइस अभी चला देते हैं हमारे एलिवेटर को, उसके पहले हम डोर बोल को लगा देते हैं फिर एलिवेटर को चालू करेंगे। एलिवेटर को अभी चालू करना है, चलो चालू कर देते हैं, पर ये दिखा रहा है नो पावर, तो पावर कैसे आएगा, मैं यही सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे 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 पावर तो आई थिंक इससे आएगा, चलो ऑन कर देते हैं। और गाइस आई थिंक इससे पावर आ रहे हैं, चलो भाई देखते हैं। और गाइस सच में आ गया इसको पावर, और गाइस अभी मेटल को पता चल चुका है कौन सा नॉइज़ है, आई मीन कहाँ से नॉइज़ आया है। और गाइस यहाँ से लीवर उठ रहा है, और गाइस लीवर को आने में इतना समय लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लीवर मरवा ही देगा, आई मीन एलिवेटर को मैं लीवर क्यों बोल रहा हूँ, इतना पागल इंसान हो चुका हूँ मैं। और गाइस अभी एलिवेटर आ रहा है, जल्दी से आ जाए यार, आई थिंक
अरे ये तो बोला ओपन द डोर राइट नाउ, क्यों मैं क्यों ओपन करूँगा तुम्हारे लिए, तुम मेरे को इतना तंग पहुँचाए मेरे लिए। और गाइस अभी मैं इसको लगा देता हूँ, जल्दी से लगा दो। और गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि नीचे क्या मिलता है हमको। गाइस हम आ चुके हैं गंदे नाले पर, और गाइस जानते हो कि यहाँ पर किसी के रोने का आवाज़ सुनने को मिल रहा है। जानता नहीं किसका रोने का आवाज़ है, पर मेरे को भी थोड़ा सा सैड लगा कि वो बंदा फंसा हुआ है। चलो गाइस मैंने तो एस्केप कर ली। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.